हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग रेन ऑफ टेरर। यहां दोस्तों नेशनल कन्वेंशन ऑन रेन ऑफ टेरर, ये कहीं ना कहीं बेसिकली फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट फेज रहा था, राइट। सो यहाँ पर्टिकुलरली नेशनल कन्वेंशन के बारे में देखेंगे, रेन ऑफ टेरर के कुछ कॉजेस थे पर्टिकुलरली उसके बारे में चर्चा करेंगे, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेन ऑफ टेरर के बारे में बात करेंगे, इसकी लीडरशिप एंड देन हॉरर्स ऑफ द रेन ऑफ टेरर, राइट। एंड देन फाइनली हाउ फार वॉज इट सक्सेसफुल, इन चीजों को लेकर हम लोग देखेंगे और इसकी इफेक्ट्स क्या हुए थे, राइट। सो हैव वी स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, पहले हम लोग नेशनल कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया गया था आफ्टर यू नो द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वाज नलीफाइड ड्यू टू द अबोलिशन ऑफ मोनार्की, राइट। सो सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन बेस्टोड द राइट टू वोट ऑन एवरी मेल सिटीजन ऑफ 25 इयर्स एंड मोर। तो यहां पर वोट देने के बारे में कुछ 25 साल का एक क्राइटेरिया रखा गया। एक न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली भी कॉन्स्टिट्यूट की गई 1792 में बाय पब्लिक वोट, और इस तरीके से ये कहलाया नेशनल कन्वेंशन। यहां दोस्तों 21 सितंबर 1792 को द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस कन्वेंशन वॉज हेल्ड, और इस तरीके से ये कन्वेंशन फॉर्मली अबोलिश करता है मोनार्की को और इस तरीके से एस्टैब्लिश करता है फ्रांस में डेमोक्रेसी। वेल, through a trial which was only an eyewash, they executed King Louis XVI on January 1793. Well, horrors of the reign of terror से पहले जानना पड़ेगा इसके causes के बारे में. So let's talk about the causes of the reign of terror. Well, causes में पहली बात तो ये कि execution of Louis XVI, ये कहीं ना कहीं rise करती है about a terrible situation in the internal and external affairs of France, right? So monarchs of various states of Europe, ये कहीं ना कहीं terrorized हो जाते हैं और इस तरीके से built up करते हैं एक power, एक ऐसा power, a power group against France, right? So 1793 में England, ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, स्पेन, पुर्तगाल, सार्दिनिया एंड नेपल्स फॉर्म करते हैं द फर्स्ट कॉलिशन अगेंस्ट फ्रांस एंड क्विकली एडवांस करते हैं टूवर्ड्स फ्रांस। वेल, फ्रेंच आर्मी यहां पर कहीं नहीं, दैट केम टू बी डिफीटेड एट वेरियस बैटलफील्ड्स ऑफ यूरोप। द एनिमी आर्मी क्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस एंड एडवांस्ड फास्ट टूवर्ड्स द पेरिस। Well, the newly formed French Republic जो है वो suffer करती है greatly due to this and then safety of the nation was at stake. Well, पूरे मुल्क में एक chaos condition कहीं ना कहीं छिड़ जाती है, एक chaotic situation जो है, जो already prevailing situation रहता France का, उसके ऊपर छा जाती है, and there were counter revolutionary movements at the same time. And extreme scarcity of food and essential consumer goods and the flocking of outsiders in search of food in the city of Paris made the condition more critical, right? So, इस तरीके से a great part of the people openly oppose करती है Republican government को and show करती है extreme disrespect to the government laws, और इस तरीके से refuse करती है to pay taxes or join the army. राइट, सो ये सब कंडीशंस होती है मुल्क में। वेल, द कंट्री बिकेम नाउ इन्फेस्टेड विद फॉरेन स्पाइस। फ्रांस जो है दैट बिकेम अ हेवन फॉर होर्डर्स, ब्लैक मार्केटर्स एंड स्पेक्युलेटर्स। एट वेरियस प्लेसेस ऑफ द कंट्री द सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की रिबेल्ड अगेंस्ट द न्यू रिपब्लिक्स। तो इस क्रिटिकल स्टेज में रेवोल्यूशनरी लीडर्स जो थे फ्रांस के, वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ गवर्नेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द कंट्री। वेल, वो रियलाइज करते हैं कि अगर पब्लिक को इंटैक्ट रखना है, और पहला द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इसके लिए ये होगा इज दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थी पब्लिक को इंटैक्ट रखने के लिए।
वेल ये तभी इम्प्लीमेंट हो पाना था थ्रू टेरर एंड फियर, क्योंकि सीधे उंगली से यहाँ पर घी नहीं निकलने वाली थी, ये वहां पर रियलाइज कर लिया था लोगों ने। दिस रूल बाय द लीडर्स ऑफ द रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर, जो कि कहीं ना कहीं रफली फ्रॉम 2 जून 1793 से लेकर 27th ऑफ जून 1794 तक चला, राइट आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेन ऑफ टेरर की तरफ। वेल यहाँ की जो रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है टू इंप्लीमेंट द रेन ऑफ टेरर। नेशनल कन्वेंशन जो कि जिसके पास सुप्रीम पावर होता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सरेंडर करती है ऑल इट्स पावर टू अ फ्यू कमिटीज, राइट। हाउएवर चीफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इस वक्त यहाँ पर कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, एट फर्स्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स वर 9 एंड देन इंक्रीज टू 12। वेल दूसरी जो कमिटी होती है कमिटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, पंक्चुअलिटी, पुलिस एक्सेट्रा, ये इसके अंडर सर्विलेंस में आते हैं इस कमिटी के अंदर में। तीसरी जो कमिटी होती है लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स, ये वॉज अ लॉ बाय विच एनीवन सस्पेक्टेड एंटी रेवोल्यूशनरी कुड बी ट्राइड एट अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। चौथा जो होता है दोस्तों हमारा रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल was the court to try the suspect and its decision was final and this was this tribunal meted out that sentences to people without trial. Panchwa tha dosto the suspects and the guilty were led through main roads to a square of revolution and beheaded under a machine called the guillotine invented by a man called Dr. Guillotine, right। So, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेजर्स एंड कमिटीज इन्होंने फॉर्म किए थे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हरेस कर पाए। तो यहाँ पर लोगों को परेशान करना या फिर उनको यू नो बगैर ट्रायल के बगैर की सोचे समझे उनको गिरफ्तार कर लेना, उनको मौत के घाट उठा देना, उनको बीहेड कर देना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी। तो ये थे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द रेन ऑफ टेरर। वेल अब लीडरशिप के बारे में आगे बढ़ते तो यहाँ लीडरशिप में गिरोडिन एंड जैकोबिन्स वर द टू पार्टीज हु इनिशिएटेड द रेन ऑफ टेरर जॉइंटली, राइट। तो क्या हुआ जल्दी ही उनके जो व्यूज थे वो डिफर करने लगे ऑन वेरियस इश्यूज, क्लैश हुआ आइडियल्स को लेकर एंड द क्लाउड किसिंग एम्बिशंस ऑफ द लीडर्स ऑफ दीज टू पार्टीज लेड टू देयर क्लैश। वेल ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे यहाँ पर जैसे कि हीबर्ट, डैंटन एंड रॉबस्पियर, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके लीडरशिप में। अब बात करेंगे हॉरर्स ऑफ द रेन ऑफ टेरर के बारे में। तो यहाँ जो 13 मंथ्स ऑफ द रेन ऑफ टेरर जो चलता रहा ये एक ऐसे पीरियड को मार्क करता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ब्लडशीट एंड डिस्ट्रक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको आम करता है ये। वेल रेवोल्यूशनरी जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं फ्रेंजाइट हो गए थे एंड ब्लड थर्स्टी, यानी खून के प्यासे हो गए थे। इन द नेम ऑफ रेवोल्यूशन इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ 20,000 लोगों को बीहेड कर दिया, सर उनका काट दिया गया, कलम कर दिया गया, राइट। वेल जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज थे उस वक्त जैसा कि क्वीन मैरी एंटोइनेट, मैडम रोलैंड द काउंसिलर ऑफ द गिरोडिन पार्टी, ब्रिसाउड बैरिफ बेली द साइंटिस्ट एंड नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ द गिरोडिन पार्टी एंड मेनी एमिनेंट फ्रेंच सिटीजन्स, उन्होंने अपने जान को अपने यू नो लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। वेल एक वाइड स्प्रेड रिएक्शन देखा गया अगेंस्ट दिस ब्लडशेड मूवमेंट। वेल टेरिफाइड मेंबर्स जो थे ऑफ द जैकोबिन पार्टी उनको अरेस्ट कर लिया गया, रॉबस्पियर एंड हिज फॉलोअर्स बिटवीन ऑन 27 जुलाई 1794। तो दूसरे ही दिन क्या होता है दोस्तों ये इंसिडेंट जो है इसको थर्मिडोरियन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है और इस तरीके से रेन ऑफ टेरर जो था वो इस तरीके से खत्म हो जाता है विद द एग्जीक्यूशन ऑफ रॉबस्पियर। डायरेक्टरी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से अब इंट्रोड्यूस होता है नए तरीके से फ्रांस में। अब इसके बाद बात करेंगे सक्सेस के बारे में। सो इतनी सारी चीजें हो जाती है इंस्पायर्ड ऑफ मेनी फ्लॉज, यहाँ पर कुछ और भी कंसिडरेबल मेरिट्स हो सकते हैं रेन ऑफ टेरर के, वो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि रेन ऑफ टेरर प्रोटेक्टेड फ्रांस एंड द रेवोल्यूशन फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर्स, काउंटर रेवोल्यूशनरी अपसर्जेस
एंड द अटैक फ्रॉम फॉरेन पावर्स. नंबर टू में होगा दोस्तों, क्वाइट अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस एट दिस टाइम. सो कहीं ना कहीं चर्च जो है, चर्चेस जो थे उसको बंद कर दिए गए, जितने भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थे क्रिश्चियनिटी के उसको कर्ब कर दी गई. सो वर्शिप ऑफ रीजन ये कहीं ना कहीं उभर कर सामने आती है. सो फेमस नोट्रे डैम कैथेड्रल बिकेम अ टेम्पल ऑफ रीजन. वेल एग्जिस्टिंग कैलेंडर जो थी वो उसको कैंसिल कर दिया गया एंड न्यू डेमोक्रेटिक कैलेंडर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया. स्ट्रिक्ट मेजर्स को फॉलो किया गया वेर टेकन टू कर्ब द होल्डर्स हु स्टोर्ड गुड्स फॉर प्रॉफिट. इसके बाद फ्री सेक्युलर एंड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया. नंबर सिक्स, कॉन्फिस्केशन ऑफ द लैंड्स ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज लैंड्स ऑफ द पुअर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर. वेल स्लेवरी को भी यहाँ अबोलिश कर दिया गया एंड फाइनली 1793 में अ ह्यूज आर्मी, काफी बड़ी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ कैन नॉट विच लेफ्ट इट्स मार्क ऑफ एफिशिएंसी एट द यूरोपियन बैटलफील्ड. तो ये था हमारा रेन ऑफ टेरर. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.